प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। यदि शितायुर यदि न परतो यदि मृत्यो रंतिक नीति एव तमा हरामी नैत्य रूपस्था दस्पाशमयनिम शत शारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई है, जीवनी शक्ति समाप्त हो गई है और वह मरणासन्न है, तो भी यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से वह रोग के चंगुल से छूटकर 100 वर्ष तक जीने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यज्ञ का अर्थ है उच्च स्तर का परमार्थ, हमारे बिगड़ते हुए शरीर व मानसिक संतुलन को बनाता है। हमारे शरीर के 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यज्ञ से 5ों की शुद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है, मन से किया हुआ भोजन हमारे शरीर को पाचन क्षमता बढ़ाता है, प्राणवायु शुद्ध करके हमारे शरीर को बल देता है, जिससे हम आनंदित रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं जुकाम, खांसी, दस्त और हैजा, पेचिस तथा उदर रोग की औषधियों को यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उसी प्रकार से इसको कूट पीस कर हवन यज्ञ द्वारा अपने रोग का निवारण करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।